हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल हैं, लेकिन उनको रखने के लिए भी तो स्पेस चाहिए। इसलिए हम अपने किचन में कुछ ना कुछ हैक्स और आइडियाज़ लगाते रहते हैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने कुछ आइडियाज़ एंड हैक्स। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने लिया है टिश्यू पेपर का रोल, इसे मैंने कट कर दिया है बीच में से। उसके बाद जितने भी आपके टेबल मैट्स हैं उन्हें रोल आउट कर दीजिए। फिर रोल को जो हमने बीच से कट किया है उसके अंदर हम इसे फिक्स कर देंगे। इन द सिमिलर मैनर यू कैन डू विद एनी ऑफ द रोल्स, योर जिप पाउचेस एंड इवन योर फ्रिज बैग्स। यहाँ मैंने तीन चार टॉवल्स को एक साथ लिया है और टॉवल्स को रोल करके मैं इन्हें भी जो मैंने कट करके रखे हैं रोल्स उसमें डाल दूँगी। इसके बाद जितना भी चीज़ें हमने रोल किए हैं या तो आप एक बड़े बास्केट में आप डालिए या आप अलग अलग बास्केट में इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो बहुत ही क्लटर दिखाई देती है अब बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। हमारे पास तरह तरह की बैटरीज होती है, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हम इसे स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अलग अलग स्टोर करने के बजाय आप इस तरह के कंपार्टमेंट वाले बॉक्स में रख सकते हैं, तो आपको सारे बैटरीज एक ही जगह में मिल जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह के कंपार्टमेंट बॉक्स में स्पेस है तो आप इनमें अपने जो हुक्स वगैरह होते हैं, एस हुक होता है, कुछ क्लिप्स होती हैं, उनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो आपको सब कुछ एक ही जगह में मिल जाएंगे। या तो आप सिंपली जिप पाउचेस यूज़ करके सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है वुडी यूनी रैप्स की प्रोडक्ट्स। ये सारे लाइनर आपके कुकिंग को बहुत इजी कर देंगे। ये सारे नॉन स्टिक हैं, आप कोई भी बर्तन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप तवा में यूज़ कीजिए, चाहे कढ़ाई में यूज़ कीजिए, माइक्रोवेव में, ओटीजी में, एयर फ्रायर में, इलेक्ट्रिक ग्रिल में, आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इट विल वर्क एज ए नॉन स्टिक। इसमें आप सिंपल सब्जी बनाने से लेकर बेकिंग, स्टीमिंग सब कुछ कर सकते हैं। ये है सारे रैप्स। ये कुकिंग पेपर ट्रे है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। अगर किसी दिन आप बीमार पड़ जाते हैं, आप बर्तन नहीं धो पाते या आपकी हेल्पर नहीं आती, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बर्तन कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। बस आपको बर्तन के ऊपर इस पेपर को रखना है और थोड़े से ऑयल में आप सब्जी वगैरह बना सकते हैं। मैं कुछ शैलो फ्राई कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, इस पेपर को मैंने निकाला, पैन को देखिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं। हो गया ना आपका काम आसान। इसी के साथ ही आपके लिए गुड न्यूज़ है, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम मैं गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ। इसके लिए जस्ट आपको इतना करना पड़ेगा कि वुडी यूनी रैप का अकाउंट आपको फॉलो करना पड़ेगा और टैग करना पड़ेगा 3 फ्रेंड्स जो कुकिंग और बेकिंग को करना पसंद करते हैं। 3 विनर्स को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर सेट ऑफ 2 इको बेक रोल्स। All this product I bought it from the Amazon, so the product link you will get in the video description. अगर आपके पास इसी तरह के बहुत सारे रैप्स एंड रोल्स हैं तो इनको ऑर्गेनाइज करना भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत स्पेस लेते हैं हमारे किचन में। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि अगर आपके पास कोई फ्री ड्रॉअर है तो आप उनमें इन सारे रोल्स और रैप को ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए और इजी हो जाएगा आपको यहाँ से कट करके निकालना। या तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार दिखाया है कि आप मैगजीन होल्डर यूज़ कर सकते हैं इन सारे रोल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए।
एक और सिंपल तरीका है इन रैप्स को और रोल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि इन्हें हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज करें। इसके लिए हमें चाहिए होगा दो एडहेसिव हुक्स। तो इस तरह से आप रोल के दोनों साइड में होल कर दीजिए और दोनों साइड में एडहेसिव हुक को लगा दीजिए। अब इसे जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे स्टिक कर दीजिए। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू टेक आउट द शीट्स। रोल्स ख़त्म हो जाए तो इजीली आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। या तो सिंपली इस तरह का ऑर्गेनाइजर बाय कीजिए और हैंग कर दीजिए अपने रोल्स को। एक और बहुत ट्रिकी चीज़ है जिसे ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो है हमारे सैनिटरी पैड्स। तो नीटली तरीके से, हाइजीन तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप इस तरह के कवर वाले बॉक्स ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे सैनिटाइज कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। चाहे तो आप एक टॉवल यूज़ कर सकते हैं और अपने सारे सैनिटरी पैड्स को यहाँ पर रख लीजिए। ईजी होगा आपको रखना, ईजी होगा आपको यूज़ करना। इसे आप अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं, चाहे तो आप कलरफुल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, डायपर्स यूज़ करते हैं, तो उनको भी आप इसी तरह के बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे किचन में और ऑर्गेनाइज करते हैं और भी चीज़ें। क्लीन कर लीजिए अच्छे से अपना सिंक को और वहाँ पे लगाइए दो एडहेसिव हुक्स। अब आपके पास कोई छोटा बास्केट है तो उसे आप वहाँ पर हैंग कर दीजिए। नाउ आपका ऑर्गेनाइजर रेडी है स्पॉन्जेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हो सके तो ऐसा बास्केट लीजिए जिसके बॉटम में होल हो, या तो आप इस तरह के बास्केट में भी होल कर सकते हैं कुछ गर्म चीज़ को यूज़ करके। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हों जो आपको रेगुलर एक्सेस करना पड़ता है, रेगुलरली देखना पड़ता है, जैसे कि हमारे बच्चों के सिलेबस, अभी जबकि एग्ज़ाम है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का सिलेबस मेरी आंखों के सामने हमेशा रहे ताकि मैं टाइम टू टाइम उसे रेफ़र कर सकूँ और वो भी देख पाए। तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर वेलक्रो टेप। एक मैंने टेप लगाया है अपनी अलमीरा में और दूसरा मैंने टेप लगाया है पेपर में। बस अब दोनों को मैंने स्टिक कर दिया है। अब ये हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा और इजीली हम इसे रेफ़र कर पाएंगे टाइम टू टाइम। बाथरूम में अगर स्पेस नहीं है टॉवल्स को हैंग करने के लिए तो एक रॉड लगा के आप एस हुक यूज़ करके सारे टॉवल्स को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इजीली ये ड्राई भी हो जाएंगे और आपका स्पेस भी सेफ हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे बाथरूम एसेंशियल्स जो ट्यूब में हैं, लाइक हमारे फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये हमारे टूथपेस्ट हो गए, उन्हें आप एक क्लिप की हेल्प से इन एस हुक में हैंग कर दीजिए। इन दिस वे यू कैन सेव लॉट्स ऑफ स्पेस इन योर बाथरूम और ये बहुत अच्छे से हैंग रहेंगे तो इन्हें यूज़ करना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो आई होप ऑल दिस आइडियाज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर किचन एंड द रेस्ट ऑफ योर होम। इफ यू लाइक ऑल दिस आइडियाज़ एंड हैक्स प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई विल मीट यू सून इन द सम अदर वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।